हेलो। हेलो। हाँ हेलो, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो सब लोग? फर्स्ट ऑल ऑफ दीपक सर, आपके साथ जो है फिजिक्स की जर्नी पे आपके यहाँ पे, ठीक है। तो आज जो है अपन फिजिक्स में अपना नया टॉपिक कैपेसिटेंस चालू करने वाले थे। कल जो अपन ने पढ़ा था उसमें कुछ बच्चों को डाउट था कि सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है, ठीक है। तो भाई पहले तो सबको गुड इवनिंग, जो इसको सुबह देखेंगे उसको गुड मॉर्निंग, ठीक है। और जो कल जो डाउट था उसको अपन थोड़ा सा क्लियर करेंगे, चाहे तो अपन ऐसा करते हैं, देख लेते हैं एक बार। भाई अपन ने क्या किया, एक जो है स्पेयर अपन एक डिस्क मान रहे हैं, डिस्क मान के चलो, ठीक है। डिस्क मानोगे तो सारा चार्ज अपना क्या आ रहा था कि सरफेस पे आ गया था, ठीक है। कल वाला डाउट अपन सोल्व कर लेते हैं, अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये सारा चार्ज सरफेस पे आ गया था, ये क्लियर थी सबको बात, समझ में आया था ये? ठीक है, तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं कैसे, कि अपन ने कैसे कैलकुलेट किया था, कि अपन ने इसमें देखा था, क्या देखा था कि इसकी वजह से सारा चार्ज सरफेस पे है, तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। अब सिंपल सा अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था, रिंग वाला एग्जाम्पल देखा था क्या, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, ये इसकी रेडियस आर थी और ये एक्स डिस्टेंस पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। उसका रिजल्टेंट अपने को पता है, उसका रिजल्टेंट क्या आता था, उसका रिजल्टेंट आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ x² + r² ठीक है। अब मान के चलो ये किसी साइड वाले पॉइंट पे है। अब देखो ये एक मैं मान के चल रहा हूँ डिस्क या रिंग जो डिस्क है, ठीक है, इस पे सरफेस डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। अब मैं इसको अपने बोथ पास ला रहा हूँ, ठीक है, बोथ पास ले गया है, या मान लो एक्स को जो है रिलेटिवली मैंने आर के कंपेरिजन में क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, जो आर डिस्टेंस है वो एक्स के रिलेटिवली ज़्यादा होगी, तो उस पॉइंट पे अपने पास क्या आई कि अपन कैसा अपने को दिखेगा कि एक ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा अपने लिए, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा और ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्या हो गए, इन्फिनिटी हो गए। मैं बोथ पास लेके आ गया तो अपने को क्या दिख रहा है, इन्फिनिटी से वो चीज़ दिख रही है। ऐसा कुछ मान के चलो, जैसे मान लो मेरी आंख यहाँ पे ही कहीं है तो इसके ऊपर मेरे को क्या दिखेगा, ऐसा पोर्शन दिखेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, मतलब मैं किसी भी चीज को अपने पास इतना ला रहा हूँ तो डिस्टेंस उसकी रेडियस के हिसाब से क्या हुई, बहुत ज्यादा हो, कंपेरिजन में क्या हुआ, तो अपन उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अपने पास जो है सिंपल सी बात है, एक लाइन, मतलब एक पेज की एक लाइन की बात करें, अपन ऐसे कुछ है, ठीक है, इस पे चार्ज अगर क्यू है जो फैला हुआ है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और डायरेक्शन अपन कैसे करेंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की साइड होगी। भाई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की साइड होगी, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो। ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अपन बात क्या कर रहे हैं, एक जो है पॉजिटिव, ऐसे दो सरफेस रखी हुई है आमने सामने, इस पे चार्ज क्या है कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकालना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कुछ होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कुछ होगा। अब देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल क्या हुआ मेरे पास इन दोनों का सम, रिजल्टेंट जो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, हाफ और हाफ क्या हुआ, 1 हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन ने कैपेसिटेंस चालू किया था, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था कि कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, और उस पर जो चार्ज स्टोर होता है ये अपन ने कल पढ़ लिया था, ये डेफिनेशन सारी कर ली थी। उस पर जो चार्ज होगा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के, मतलब जितना अपन उस पर वोल्टेज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू सी वी, सी क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, सी क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको अपन कैपेसिटी
बोलते हैं या कैपेसिटेंस बोल देते हैं, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस बोल लेते हैं। किसका है? कैपेसिटेंस जो है एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो एबिलिटी कर रहा है होल्ड। अब देखो बात करते हैं सर, ठीक है, बात क्या कर रहे हैं अपन कि देखो एक चार्ज है डी क्यू, उसको मैं अब यहाँ पे वी पोटेंशियल उसके पास है, मान लो स्टार्टिंग में वी पोटेंशियल इसके पास वी पोटेंशियल। अब किसी चार्ज को मैं इन्फाइनाइट से इस पे लाऊंगा तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ अपन ने बात की ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक चार्ज को जब मैं ला रहा हूँ तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क क्या होगा कि वर्क में अगर चेंज होगा तो एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर होगा। भाई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेमेटिक एनर्जी को अपन जानते हैं, जब मैं उस चार्ज को वहां से इन्फिनिट से वी पोटेंशियल पर आ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। और अपन ने ये देखा भी था कि वर्क इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, तो वी बराबर डी डब्ल्यू बाई क्यू, जितना मैंने काम किया उसके बारे में, ठीक है। तो अब सोचो यहाँ पे पहले कुछ नहीं था इसके पास, मैं एक चार्ज लाया तो इस पर कुछ पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई आर, भाई इसकी डिस्टेंस आर है और मैं कुछ चार्ज ले आया तो इसके पास पोटेंशियल क्या हुआ, मान लो वी वन बराबर के क्यू बाई आर। अब फिर मैं एक चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, वी बराबर के क्यू टू बाई आर, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस पर चार्ज होल्डिंग करने की पावर कुछ ना कुछ होगी। भाई एक क्या है डिस्क है, उस पर कुछ, अब इस पर मान लो डिस्क, मान लो कुछ भी मान सकते हैं अपन, अभी जनरली एग्जांपल ले रहे हैं। अब उसमें मैं चार्ज लाता जा रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पर इतना चार्ज हो जाएगा कि उसके आसपास की जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी पोलराइज हो जाएगी। तो यही वो अपन बात कर रहे हैं कि मैंने इतना चार्ज दे दिया इसको कि इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो गया, तो आसपास की एयर जो है पोलराइज हो जाएगी। भाई वी बढ़ा तो ई बढ़ेगा, वी बढ़ा तो ई बढ़ा, उसकी वजह से क्या हो, आसपास की चार्ज पोलराइज हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है भागने लगेंगे। वो क्या होगा, पोलराइज होके, जैसे अपन देखते हैं बिजली गिरने पे क्या होता है कि उसमें जैसे चलता है वैसे ही यहाँ पे, तो इसको कोरोना डिस्चार्ज अपन बोलते हैं। तो इसकी कुछ कैपेसिटी होगी कि एक होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, वहां तक ये होल्ड कर सकता है, उसके बाद ज्यादा होल्ड करेगा तो या तो आसपास की एयर जो है क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। तो अपन इसको मान के चले कि अपन क्या करेंगे, डी डब्ल्यू क्या होगा, वी डॉट डी क्यू, मतलब जितना मैं काम करूंगा उतना मेरे को चार्ज लाना हो, ला रहा हूँ किसी जगह पे, मान लो ये इनफाइनाइट से कोई चार्ज लाया क्यू, मैं यहाँ पे क्यू नोट चार्ज इनफाइनाइट से लाया तो मेरे को डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल मैं कैसे निकालता हूँ कि डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, यहाँ से पोटेंशियल, तो इससे वर्क कैसे दे सकते हैं अपन, वी डॉट डी क्यू। सिंपल सी बात है कि मैं वी घटाऊंगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ रही, ये डायरेक्ट अपन यहाँ से देख सकते हैं कि पोटेंशियल अगर कम हो जाएगा, मान लो इस पर पोटेंशियल कम कर दूंगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटी की अपन बात करें होल्ड करने की, तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज एंड सराउंडिंग ऑफ द कैपेसिटर, मतलब जो भी कैपेसिटर होगा जिस पे भी अपन बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं या कहीं भी अपन बात कर रहे हैं, जहां भी बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक तो उसके सराउंडिंग में क्या क्या है, उसकी शेप और साइज क्या है, भाई वो कैसा शेप है, अगर R ज़्यादा है तो ज़्यादा होल्ड कर पाएगा, कम है तो कम कर पाएगा, क्योंकि के क्यू बाई आर। अब देखो R कम हुआ तो क्या हुआ, अपना V ज़्यादा हो गया, तो V ज़्यादा हो गया तो C कम हो जाएगा। भाई Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Q बराबर सी वी अपन लिख रहे हैं। तो अगर मान लो मैं बोलूँ कि V कांस्टेंट हो गया तो चार्ज बढ़ाऊंगा तो C बढ़ेगा। अब मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास चार्ज कांस्टेंट है, सिंपल सी बात ये वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं, Q बराबर सी वी से अगर मान लो Q को कांस्टेंट कर दिया तुमने, तो जैसे अपन जो है पोटेंशियल कम करेंगे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे किसी भी एक टर्म को कांस्टेंट करोगे। अब सी क्या है, सी तो किस पे डिपेंड करता है, तो सी किस पे डिपेंड करेगा, उसके शेप और साइज पे, ठीक है, किस पे, शेप और साइज पे। दूसरी चीज कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, अब मान लो वहाँ तो क्या थी, एयर थी, डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा वो, इसलिए अपन जो है किस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप साइज और सराउंडिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, वो कौन से मीडियम में है या कौन से मीडियम में उसको रखा गया है, ठीक है। इसमें किसी को यहां तक कोई डाउट है बेटा, कुछ पूछना है, कोई डाउट है बेटा, किसी को कोई भी डाउट हो तो बोल सकता है, ठीक है। अब एसआई यूनिट की बात करें तो देखो ये एक और चीज, किस पे डिपेंड नहीं करता है, भाई कैपेसिटेंस है तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो अपन कितना चार्ज उसको दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन टू कैपेसिटर, अपन कितना चार्ज उसको दे रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो चार्ज उस पे कितना दे रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं करता है। सी
सी जो है चार्ज कितना दे रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसके कैपेसिटी कितनी है उसको होल्ड करने की उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी अपन जानते हैं क्या होती है, फेराडे होती है। अब फेराडे क्या है, बहुत बड़ी यूनिट है। मतलब फेराडे क्या है, फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, फेराडे के नाम पे ही इसकी ऐसा यूनिट रखी गई है फेराडे डायरेक्ट। ये क्या है, बहुत बड़ी यूनिट है। तो अपन छोटी यूनिट यूज करते हैं, तो माइक्रो फेराडे, नैनो फेराडे अपन जानते हैं, पिको फेराडे 10^-6 माइक्रो, 10^-9 नैनो, और पिको 10^-12 फेराडे। तो ये वाली चीज अपन को पता है, यहाँ तक अपने को जानते हैं। ठीक है, अब अपने को देखो, अब अपने को कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है, अब किसी भी चीज की मैं कैपेसिटी निकालना चाहता हूँ, तो Q बराबर क्या है, सी वी। ठीक है, अगर मैं Q बाई वी निकाल लेता हूँ तो मेरे को C पता लग जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अर्थ अज्यूमिंग इट एज अ स्फेरिकल कंडक्टर। मान के चल रहे हैं कि अर्थ जो है, अपने पास जो ये अर्थ है वो क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, स्पेरिकल कंडक्टर है, तो अपने इसको क्या निकालनी है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे इस वाली चीज को, एक बार सोचो कैसे निकालोगे, कैसे इसको करेंगे, पता है सबको भाई, मैंने ये तो बता दिया कि कैसे उसको करना है, कैसे करेंगे अपन। देखो इसमें सीधी सी बात, मुझे क्या पता है कि मैं क्या क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ अर्थ की रेडियस क्या होती है, आर जानते हैं, तो मैं सबसे पहले क्या कोशिश करूंगा कि पोटेंशियल निकाल लो। पोटेंशियल क्या होता है, मान लो इस पे क्यू चार्ज, तो पोटेंशियल अपन निकालें, ऐसे ऐसे इसमें सॉल्यूशन है, आप लोगों ने देखा ही होगा। पोटेंशियल निकालेंगे तो V इक्वल टू के क्यू बाई आर अपने को पता है, तो Q बाई वी में कर लेता हूँ, Q बाई वी बराबर R बाई के। R कितनी है मेरे पास, ये R जो है मेरे को पता है 60 × 10^3, ये 6400 × 10^3 अपन निकाल दिया। और K कितना होता है, 9 × 10^9 अपने पास होता है। ठीक है, इससे कट डाउन करेंगे तो अपने पास कैपेसिटी कितनी है, 7.1 × 10^-11 फेराडे, ये अपने पास स्फेरिकल हो गया। अब कैपेसिटी ऑफ स्पेयर अपन देखना चाहते हैं, किसी भी स्पेयर की कैपेसिटी देखना चाहते हैं, तो कैसे करोगे बेटा, कि इस स्पेयर पे मान लो क्यू चार्ज है और इसका वी पोटेंशियल है, आर इसकी रेडियस है, तो क्या लिखोगे, वी इक्वल टू के क्यू बाई आर लिखोगे, यही अपन लिखेंगे ना, क्यू बाई वी करो तो आर बाई के आ जाएगा, R बाई के को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी लिख सकते हैं, मतलब Q बाई वी करेंगे तो अपने पास C आ जाएगा। ठीक है, ये अपन R बाई के से कर सकते हैं, और K उस टर्म के लिए क्या होगा भाई, R बाई के से अपन ने किया। ठीक है, K क्या होता है, कि K क्या होता है, 1/4πε0, तो 4πε0 को यहाँ पे लिख दिया, तो कैपेसिटी किसी भी स्पेयर के लिए क्या होती है, 4πε0R। ये समझ में आया अपने को कि क्या होती है कैपेसिटी किसी भी स्पेयर के लिए, 4πε0/R, ये अपने को सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एक मीडियम की बात करें, देखो पहले वो क्या था, मीडियम ही नहीं था, अगर मीडियम की बात करें तो क्या होता है भाई, अपन जानते हैं किसी भी मीडियम के लिए भाई क्या होगा, मीडियम की मैं बात करूँ तो वहाँ पे मीडियम का इक्वल टू एप्सिलॉन जो अपना रिलेटिव होगा, एप्सिलॉन आर क्या होगा अपने पास, वहाँ पे मीडियम का होगा और एप्सिलॉन नॉट होगा, सिंपल सी बात यही है। तो एप्सिलॉन अगर किसी मीडियम की अपन बात कर रहे हैं तो वहां पे अपन क्या करेंगे कि उसको जो है मीडियम को उसके एप्सिलॉन को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी डैश जो होगा मीडियम के लिए वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0εr। तो सी डैश मतलब एयर में निकाल लो उसको एप्सिलॉन आर से, उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है किसकी, मीडियम की, उससे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। कैपेसिटेंस क्या है, सिंपल सी बात है, वो इतना सा कैपेसिटर होता है, अब वो कितना होल्ड कर सकता है चार्ज, ये कुछ ऐसा देखते हैं ना अपन, तो फैन वाला बात कर लेते हैं। अब इसमें कितना चार्ज होल्ड हो सकता है वही अपने को निकाल रहे, सिलेंडर कैपेसिटर की टाइप में, जैसे वो तो सब पैरेलल प्लेट में ही है और उसको सिलेंडर के फॉर्म में उसमें स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है अपने पास, ये वैसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज सी। ठीक है, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है, सी है। कैलकुलेट वर्क डन इन द इंक्रीज इट पोटेंशियल फ्रॉम V1 to V2। क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन है कि एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी क्या है, सी। ठीक है, ये अपने को क्या है, गिवन है। अब अपने को क्या करना है, V1 से उसका वोल्टेज इंक्रीज किया। ठीक है, वोल्टेज अपन बढ़ा रहे हैं और V2 किए, तो उसमें क्या होगा कि वर्क डन कितना होगा, ये अपने को ज्ञात फाइंड आउट करना है। अब सिंपल सी बात है, इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो अपन सीखते हैं, कि वर्क डन क्या होता है, dW क्या होता है, कि मेरी जो एनर्जी में चेंज होता है वो होता है, और पोटेंशियल क्या है, V1 क्या होगा, कि V1 जो होगा dW में निकाल लूंगा, dW
डिवाइड बाई डी क्यू इक्वल टू वी होता है, डी वी हो जाएगा वो, तो डी वी को इंटीग्रेट करूंगा और वहां से मेरा वर्क निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात यही है कि भाई वहां पे पहले क्या था, इनफाइनाइट पे था, तो डी डब्ल्यू बराबर डेल यू हो जाएगा। डेल यू क्या होता है, डी क्यू इंटू डेल यू जो अपने पास होगा। डी क्यू क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो डी डब्ल्यू में फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू इंटू यू हो जाएगा, अपन ने डायरेक्ट पूछ लिया। तो क्यू बराबर सी वी अपन जानते हैं, तो डी क्यू बराबर सी इंटू डी वी हो जाएगा। ये टर्म इंपॉर्टेंट भाई, अगर मान लो मैं छोटा सा चार्ज चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे को छोटा सा पोटेंशियल चेंज करना पड़ेगा। इस टर्म को यहाँ पे रखो, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा सी वी और डी वी। सी क्या है, अपने पास कॉन्स्टेंट है, वी को अपन डी वी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। भाई सी तो क्या है, कैपेसिटी, डब्ल्यू नेट अपने को फाइंड आउट करना है, कहाँ से, वी वन से वी टू तक। भाई वी वन से वी टू तक अपने को फाइंड आउट करना है। सी अपने पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, वी डी वी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इंटीग्रल करेंगे। अब v ऑफ dv क्या होगा, अपने को इंटीग्रल करना है तो क्या होता है कि v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ये चीज़ अपने को आती है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, i1 से i2 बाई 2 आगे ले लो तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपने पास आ जाएगा। तो w नेट जो अपने पास हुआ क्या हुआ, c बाई 2, ठीक है, c बाई 2 v2 माइनस v1 का v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो अपने पास क्या होगा, वर्क डन डब्ल्यू नेट जो है सी बाई टू वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। अब एक बार बताता हूँ, अपन क्या बात कर रहे हैं कि वी वन से वी टू तक अपन ने चेंज किया। अब मैं मान लेता हूँ जो अपने पास वी वन था वो इनफाइनाइट, मतलब अपन आर पे बात कर रहे थे, वी वन क्या होता है के क्यू बाई आर हुआ, तो आर को अपन ने इनफाइनाइट की बात की है, या वी वन को अपन जीरो मान लेते हैं, इनिशियली उसके पास कोई जो है पोटेंशियल नहीं था, तो इनिशियली क्या था वो जीरो था। तो क्या हो जाएगा वर्क डब्ल्यू नेट अपने पास क्या हो जाएगा, सी बाई टू वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। भाई यही तो अपन बोल रहे थे, वर्क डन जितना करा वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इफ पोटेंशियल एनर्जी इज राइज फ्रॉम जीरो इन्फिनिटी टू वी आर, द वर्क डन इज हाफ सी वी स्क्वायर एंड इट विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सरफेस ऑफ स्फीयर एंड इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ, मैं क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उसकी सरफेस तक ला रहा हूँ ना, तो वही उसमें क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही है। तो कितनी अपन स्टोर पोटेंशियल एनर्जी अपन ने की, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, और सी अपन ये जानते हैं क्यू बराबर सी वी, तो क्यू बराबर सी वी वहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी हो जाएगा, और क्यू बराबर सी वी यहाँ पर रख दो तो हाफ और क्यू वी हो जाएगा। ये तीनों ही अपने पास टर्म जो है अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है, अपने को ये सारी टर्म पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यूब स्क्वायर बाई टू और हाफ जो है क्यू वी। ये अपन ने ये टर्म ऊपर भी यूज की थी, अपने वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी तो वहाँ पे ये टर्म अपन ने यूज की थी। यहाँ तक क्लियर है कैसे इसको पोटेंशियल एनर्जी निकाली, सिंपल सी बात है, वर्क डन कितना करेंगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो क्या होता है, क्यू इंटू वी होता है, वी चेंज हो रहा अपना वी टू से वी वन हो रहा है, अगर वी वन को मैं इन्फाइनाइट मान लूँ तो कितना हो जाएगा, हाफ सी वी हो जाएगा, क्यू बराबर सी वी से अपन ये तीनों इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अपने को पता होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अगर मान लो पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो बाहर की साइड होगा और ये तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, ठीक है। कैपेसिटर की एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं छोटी सी। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या है, अपन जो अपन डेली लाइफ में, मतलब अपन जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हैं वो वाले कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर कीप्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू देयर डायमेंशन एंड हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मतलब क्या है, दो कंडक्टर हैं, ये दो कंडक्टर इनको अपन बहुत पास रख रहे हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू देयर डायमेंशन, देयर जो जिनकी जो डायमेंशन है उसके बिहाफ पे अपन जो है बहुत पास रख रहे हैं, हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो ये क्या होगा, ये अगर क्यू चार्ज है तो ये माइनस क्यू चार्ज पे हो, ऐसे दो सरफेस मान के चलो, ऐसे तो बता नहीं सकते, अपन ने इसको क्या किया, बहुत पास पे रख दिया। अब मान लो इसका भी एरिया बहुत कम कर दिया, इसका भी एरिया बहुत कम कर दिया, तो ऐसे दो प्लेट हैं जो बहुत पास रखी, जिनके बीच की डायमेंशन क्या है, रिलेटिवली उनकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा पास, मतलब ऐसा, ठीक है। तो इसके बीच में अपन ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हैं, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटर बोल रहे हैं, ठीक है। दीज कंडक्टर आर नोन एज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये जो कंडक्टर हैं, ये दोनों कंडक्टर, ठीक है, अब हो सकता है वो इस मतलब डिक्स हो सकता है वो पेलर प्लेट हो, तो वो क्या होंगे,
उस कंडक्टर को अपन प्लेट्स की फॉर्म में बात करें, जो प्लेट्स हैं उनकी फॉर्म में अपन बात करें, तो वो क्या होगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अपन बात हो जाएगी। ठीक है, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर मीन्स चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑल थ्रो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो। मतलब क्या है, देखो एक प्लेट जो अपने पास, दो प्लेट की अपन बात कर रहे हैं, इस पे चार्ज क्या है क्यू, इस पे क्या है माइनस क्यू। अब टोटल इस कॉम्बिनेशन की बात करूं कि टोटल कॉम्बिनेशन इस चार्ज पे कितना होगा, तो क्यू प्लस माइनस क्यू क्या होगा, टोटल उस पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्यू प्लस माइनस क्यू क्या होगा कि टोटल क्या होगा मेरे पास जीरो होगा। तो अपना जो कैपेसिटर है उसके कॉम्बिनेशन में चार्ज कितना हो जाएगा कि उसके कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। ये अपने को समझ में आया कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है कि अपने कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज क्या हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा अपने। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अपन मोस्टली बात करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं अपन, तो देखो मतलब क्या होती है, ऐसे दो प्लेट सामने रखी हुई है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि डी डिस्टेंस पे, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, तो प्लेट्स अपन ने देखा कि अगर इसको क्यू चार्ज दिया हो, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया हो, तो इधर वाली सरफेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्यू आ जाएगा, इस वाली सरफेस माइनस क्यू आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव कुछ भी जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ इस वाली प्लेट की वजह से, कितना है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, उस वाली प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अपन ने देखा भी था। ठीक है, ये इनकी बात करूं मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है, दोनों को ऐड किया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे पोटेंशियल अपन देखना चाह रहे हैं कि उसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट कितना हो, तो अपन जानते हैं बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, अपन सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की, तो अपन ने दोनों साइड मैग्नीट्यूड लिया, तो वी इक्वल टू ई इन डॉट डी, भाई यहाँ से इस डिस्टेंस के बीच में अपन जानना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये कितनी है डिस्टेंस है, ई डॉट डी आर कर रहे हैं कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊँ तो मेरा पोटेंशियल कितना चेंज होगा, वो मेरे को पता होना चाहिए। सिंपल से अपन जानते हैं कि अपन मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल टू माइनस वी डॉट ई डॉट डी आर, पर यहाँ पे जो अपने क्या हो रहा है, मोड अपन ने ले रखा है, तो ई डॉट डी आर। अब ई इन की बात कर रहा हूँ कि ई इन कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो ई इन क्या होगा मेरे पास, कि अपन क्या जानते हैं कि वी और ये क्या है डी, सिग्मा क्या है क्यू बाई ए, सिग्मा तो जानते हो ना अपन, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे हैं, तो सिग्मा बराबर क्या है कि क्यू बाई ए। तो ई इन अपने उसमें अपन ने क्या बोला कि ई इन क्या होता है, एक की वजह से सिग्मा अपॉन, भाई ये क्या अपन ने लिखा हुआ है, चूंकि अपन ये जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चूंकि अपन ये चीज जानते हैं कि क्या होता है एक प्लेट की वजह से कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वी की मैं बात करूं तो क्यू, भाई इसमें क्या है अपन इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो एक पार्ट पे क्या है दूसरे पार्ट पे क्या है वो अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वी क्या हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इन टू डी, डी डिस्टेंस में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो c बराबर क्या होता है q बाई वी, तो c क्या हुआ a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, भाई यहाँ से अपन q बाई वी फाइंड आउट करेंगे, q को इधर लाओ v को इधर लाओ, तो q बाई वी क्या होगा अपने पास a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, और ये क्या है ये अपना c है कैपेसिटेंस है, तो ये अपन ने निकाला, तो c जो होता है ये होगा, तो अपने को ये पता होना c इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब d क्या है, डी क्या है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस रखी हुई है ये डी है। ए क्या है ओवरलैप ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स, मतलब क्या है देखो एक मैंने प्लेट ऐसे रख दी, एक प्लेट ऐसे रख दी, ठीक है, इनका मैं ओवरलैपिंग एरिया देखूं तो इतने ही फील्ड की वजह से तो ओवरलैप होंगे एक दूसरे पर, मतलब इसकी वजह से यही कंडक्ट हो सकता है ना, यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, तो ये जो एरिया होगा इसी की वजह से कैपेसिटेंस पे इफेक्ट आएगा, तो ओवरलैप एरिया अपने को पता होना चाहिए कि कितना ओवरलैप एरिया है, तो कहीं भी अपने को कैपेसिटेंस निकालना हो अपन कैसे निकालेंगे कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट तो अपन जानते ही हैं कितना होगा 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, तो एप्सिलॉन नॉट अपने को पता लग गया, एरिया अपने को दोनों प्लेट का पता होता ही है और उनके बीच की डिस्टेंस अपने को दी हुई होती है, तो अपन क्या करेंगे सी की वैल्यू अपने से निकल जाएगी। ठीक है, अब स्पेरिकल कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं कि स्पेरिकल कैपेसिटेंस कैसा होता है, भाई अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस पढ़ लिया, अब स्पेरिकल कैपेसिटेंस की बात करें, स्पेरिकल कैपेसिटेंस अपन ने ये चीज देखा भी था, अपन ने वी कैलकुलेट किया भी था, इसी वजह से किया था कि यहाँ पे सब काम आएंगे वो वाली चीजें, तो सारी चीजें यहाँ पे काम आएंगी, इस वजह से अपन ने पहले ही एडवांस में वो चीजें
करके रखी थी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्फेरिकल कोएफिशिएंट को कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट, कि अपने को एक जगह का पता है, क्या पता है, ठीक है, कैसे पता होता है अपने को, एक सेकेंड, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कि अपने को देखो, अपने को R1 और R2 पे दो स्पेयर रखे हुए हैं, ठीक है। अपन ने क्या किया कि बाहर वाले को ग्राउंड कर दिया, ठीक है, ये बाहर वाले को मैंने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। स्पीड डिस्टेंस कितनी है कि R1 है, ठीक है, इस पे चार्ज Q है, तो इसकी वजह से इस पे चार्ज कितना इंड्यूस हो जाएगा, माइनस Q। मैंने देखो इसमें ऐसा नहीं है मैंने पूरी सरफेस को ग्राउंड किया, दो इसकी सरफेस होगी, एक इंटरनल एक आउटर, तो बाहर जितना भी हो रहा है ना उसको सबको मैंने ग्राउंड कर दिया, तो अंदर क्या हो गया, माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव क्यू। अब देखो अगर मैं इसको बहुत बड़ा कर दूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा, ऐसे बड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल प्लेट ही तो हो गई लगभग, पर अपन स्पेयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, अंदर वाले पे प्लस क्यू, बाहर वाले पे माइनस क्यू। व्हेन अ चार्ज ऑफ क्यू इज गिवन टू द इनर स्पेयर इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सर्फेस। ये चीज़ तो अपन जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर को अपन चार्ज देंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और कहाँ जाएगा, आउटर लेयर पे आ जाएगा, ठीक है। क्यू चार्ज इंड्यूज ऑन द इनर सरफेस ऑन द आउटर सरफेस, तो क्या होगा कि क्यू की वजह से माइनस क्यू चार्ज इंड्यूज हो रहा है अंदर वाली सरफेस पे, ठीक है, और बाहर वाली की सरफेस को अपन ने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ठीक है। द चार्ज पॉजिटिव क्यू इंड्यूज ऑन द आउटर सरफेस, अंदर वाले पे माइनस क्यू हुआ, बाहर वाले पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, और आउटर सरफेस फ्लो टू द अर्थ एज इट ऑन द ग्राउंड, मतलब बाहर वाली ऐसे सरफेस है ना अपने पास, तो इस पे क्या होगा, प्लस क्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस क्यू होगा, और इस पे क्या हुआ, टोटल चार्ज जीरो है, तो अपन ने प्लस क्यू यहाँ पे इंड्यूज हुआ, और इसको मैंने क्या किया, ग्राउंड किया हुआ है, तो ये जितना भी चार्ज यहाँ पे बाहर इंड्यूज हो रहा है वो सारा तो ग्राउंड में चला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहीं बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, तो देखो टोटल चार्ज अगर इस पे पूरे पे बात करूँ, मान लो मैं पूरे पे भी बात कर रहा हूँ, तो टोटल चार्ज इस पे क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो अपना टोटल चार्ज क्या है, अपना जीरो हो गया, टोटल चार्ज जीरो हो गया, तो ई भी जीरो हो गया। तो लेस देन आर के लिए, आर वन के अंदर की बात करें, ये आर वन है ना, तो आर वन के अंदर क्या है, कंडक्टर है, तो वहां पे क्या हुआ, आर वन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। और आर टू के बाहर देखो, थोड़ा सा इस वाली चीज को देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं, ये क्या है, ये अपन ने बात की कि ये जो है आर वन मेरा स्फीयर, ठीक है, इस पे क्यू चार्ज दिया, इसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। ये बात समझ में है कि इस पे क्यू चार्ज है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, ये आर वन रेडियस है। तो लेस देन आर के लिए, मतलब यहाँ पॉइंट के लिए, यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है, सारा कुछ सरफेस से चला जाता है। तो ये वाली बात तो अपने को समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो। अब दूसरा वाला कंडक्टर है, इस पे क्या हुआ, क्यू की वजह से माइनस क्यू चार्ज इंड्यूज हुआ, बाहर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूज हुआ, और इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो सारा चार्ज क्या चला गया, ग्राउंड में चला गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस वाली जगह पे, R ग्रेटर देन R2 पे टोटल चार्ज कितना है, Q प्लस माइनस Q, गॉसियन सरफेस मान लूंगा, क्यू इन अंदर चार्ज कितना हुआ कि जीरो हो गया, तो जीरो की वजह से क्या हो गया, वहां भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। ये दोनों कंडीशन अपने को समझ में आई। अब बात है कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे, मतलब R1 से R2 के बीच में क्या होगा, तो देखो इस वाले पॉइंट पे मैं बात करूँ, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पे क्या होगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस माइनस इस वाले चार्ज की वजह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। ये बात अपने को समझ में आई। मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस वाले पॉइंट पे जस्ट r1 पे, तो वहां पे क्या चार्ज होगा, v की इसकी वजह से v बराबर kq बाई r, और इसकी वजह से इनर कहीं भी हो वो जो है हमेशा पोटेंशियल सेम रखता है, वो क्या होता है kq बाई जितनी उसकी रेडियस होगी। तो यहां r2 है, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को ऐड किया तो देखो q बाई फोर एप्सिलॉन नॉट अपन ने जो है कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 हो जाएगा, तो r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। ये चीज समझ में आई कि v1 अपन ने कैसे कैलकुलेट किया, कौन से वाले पॉइंट पे, वन पॉइंट, ठीक है। v2 क्या है कि आउटर सरफेस तो अर्थ से ग्राउंड है, तो v2 क्या हो गया, जीरो हो गया। ये बात अपने को सबको समझ में आई, v1 v2 क्या हो गया कि जीरो हो गया अपने, ठीक है। अब अपन किस पे बात कर रहे हैं कि मान लो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन इस वाले जगह, अब बिटवीन की बात कर रहे हैं, अपन एक पॉइंट ये ले लिया था वन, एक पॉइंट अपन क्या कर रहे हैं वी टू, यहाँ पे तो चार्ज क्यों जीरो हुआ, आउटर सरफेस पे क्यों जीरो हुआ, भाई इसके
यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, गॉसियन सरफेस माने टोटल चार्ज क्या है, जीरो है, इस वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और अपन वो कर भी लेंगे तो आर वन बराबर आर टू वहां की वजह से वहां पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेन, इन प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वी वन माइनस वी टू उनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। भाई किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक, यहां का अगर वी टू है, यहां पे वी वन है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अपन ने क्या किया, किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया अपन ने, और यहाँ पे अपन ने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे इसकी वजह से कितना और उसकी वजह से कितना है, दोनों को माइनस कर दिया, वी वन माइनस वी टू, ठीक है। अब वी टू की बात करोगे कि सर वी टू कितना है, तो वी टू तो बेटा जीरो है, यहाँ पे माइनस जीरो होगा, तो वो चीज यहाँ पे लिखी नहीं हुई, ठीक है। तो वी वन माइनस वी टू, वरना कोई सोचे सर वी वन वी टू अपन ने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। तो वी वन माइनस वी टू, तो टोटल वी क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू, आर टू माइनस आर वन और जीरो। अब सी अपने को फाइंड करना है, तो क्यू बाई वी अपन करेंगे, क्यू बाई वी मतलब उधर चला जाएगा, क्यू बाई वी पता है ना, सी बराबर क्यू बराबर सी वी, सी बराबर क्यू बाई वी, ठीक है, ये वी, ठीक है। तो क्यू बाई वी करेंगे, ये टर्म ये सारी यहाँ पे चली जाएगी, कैसे, जैसे मान लो अपन ने किया क्या किया, क्यू बाई वी, ठीक है, क्यू बाई वी, तो इस ये उधर चला गया, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू डिवाइड बाई आर टू माइनस आर वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगी इसकी, कैपेसिटेंस की, तो सी अपने पास क्या आया, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू, ये किसकी वजह से, स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से। ये चीज समझ में आई बेटा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, बढ़े आगे, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये चीज अपने ने कर ली, अब एक दो क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक स्टार्ट करो, ठीक है। अ कैपेसिटर गेट अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रो कूलम व्हेन इट्स कनेक्ट टू अ बैटरी ऑफ एएमएफ ऑफ 5 वोल्ट, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस, ठीक है। ये चार्ज है इस पे क्यू, इसका वोल्टेज वी, तो कैपेसिटी अपने को, कैपेसिटेंस अपने को फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, एक जस्ट उस लिए दिया है कि आप लोगों को थोड़ा सा पता हो जाए कि डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा तो मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगा, क्यू बराबर सी वी लगा दो, क्यू बराबर सी वी, ठीक है, चार्ज है मेरे पास और क्या है कि वोल्टेज है मेरे पास, तो मैं कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे फाइंड आउट करूँगा, क्यू बराबर सी वी, क्यू तो क्यू बाई वी अपने पास क्या हो जाएगा, तो अपने पास 10 माइक्रोफेरेड अपने पास जो है आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन करो, सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ो एक बार, अप्रोच करो कि कैसे इसको करेंगे, फिर बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा, कैसे करोगे बेटा, पढ़ो क्या दिया हुआ है। द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर आर चार्ज, प्लेट जो है पहले से चार्ज है थोड़ा, ठीक है, टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट उनके पास क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। एंड देन कनेक्ट अक्रॉस अ रजिस्टर, उसको क्या किया अपन ने, एक रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डीके एक्सपोनेंशियली, सीधी सी बात है, उसमें पोटेंशियल था, रजिस्टर था, तो अपन कनेक्ट करेंगे, जैसे मान लो ये जो है अपने पास कैपेसिटर लगा हुआ था, इसमें अपन ने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो चार्ज डीके होगा, तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर डिकेस एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अपन जानते हैं, आगे भी पढ़ेंगे कैसे डिके होता है, ठीक है, पर डिके हो रहा है, इतना सा भी समझ लो, एक्सपोनेंशियली होता है। आफ्टर 1 सेकेंड, अब 1 सेकेंड, जस्ट है 1 सेकेंड के बाद बात करें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज 80 वोल्ट, ठीक है, 80 वोल्ट। वॉट इज द फ्रैक्शन ऑफ द स्टोर एनर्जी विच हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था दिखने में, काम के डाटा कितने हैं, 2, इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था, अपने को पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है डेल वी डेल यू बाई यू, वो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, एक बार सोचो कैसे फाइंड आउट किया था, डेल यू कैसे फाइंड आउट किया था अपन ने, डेल वी कैसे फाइंड आउट किया था, उस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सिंपल सी अपने को पता होनी चाहिए, वो पता होगी तो अपने को आराम से आ जाएगी, ठीक है। यू क्या है, इनिशियल, डेल यू क्या है, चेंज, तो अपन इसको कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बिना कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो अपन को क्या दिया हुआ है, जो अपने को स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जो अपने पास वोल्टेज है वो कितना है, 100, ठीक है,
वी वन मान के मैं चलूँ और वी टू मेरे पास क्या है 80 वोल्ट, ठीक है, वी वन वी टू मेरे पास क्या है 100 वोल्ट और वी वन क्या है 80 वोल्ट, ठीक है। डेल ऑफ यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपन ने देखा था कैसे करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होता है। पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी पहले वो बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या क्या पता है कि अपने को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज फाइंड आउट करना है, तो डेल यू क्या हो जाएगा, डेल यू हो जाएगा हाफ सी वी टू माइनस वी वन का स्क्वायर, दोनों का इंडिविजुअली हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें इक्वेशन में पुट करोगे कैसे करोगे भाई, वी वन माइनस वी टू अपन करेंगे, डेल यू की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो क्या होगा अपने पास वी वन माइनस वी टू होगा क्योंकि वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा कि वी वन माइनस वी टू, पोटेंशियल एनर्जी वो अपन कहाँ ला रहे थे, बाहर से अंदर ला रहे थे, इन्फिनाइट से। अब क्या हुआ यहाँ पे चार्ज डीके हो रहा है, तो वी वन पहले इनिशियल ज़्यादा होगी बाद में कम होगी तो वो चेंज होगी। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि अपने को फाइंड आउट करना है उनमें चेंज कितना हो रहा है, वो चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है, क्या चेंज हो रहा है, डेल यू बाई यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो डेल यू बाई डेल यू क्या होगा, डेल यू बाई यू जो है पेसेट होते ही हो जाएगा, डेल यू बाई यू इक्वल टू हाफ सी वी वन का स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ, इनिशियल कितनी थी सी वी वन स्क्वायर, ये अपन कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी है, हाफ सी से हाफ सी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, इसको आता है वो कर लो, नहीं तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, सिंपल सा बात है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी अपन जानते हैं, वरना क्या करो 100 का स्क्वायर कर लो, ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी मेरे पास क्या हो गया 100 प्लस 80 और ए माइनस बी मेरे पास 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ठीक है, कट डाउन कर लो इसको, 2 × 5 ये कितना हो जा 180 डिवाइड बाई 100 इंटू 5, ठीक है, तो कितना आ गया अपने पास 18 डिवाइड बाई, इसको भी चाहे तो अपने पास 9 डिवाइड बाई 25 अपने पास आ गया, कितना है अपने पास 9 डिवाइड बाई 25 अपने पास एनर्जी में जो चेंज आया वो अपने पास आ गया, ठीक है। ये समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख के एक बार बताओ, और ये समझ में नहीं आया हो तो फिर चैप्टर को ऊपर से रिवाइज एक बार करके वापस से आओ, ठीक है। ये चीज़ अपने को समझ में आई कि क्या आया अपने पास, कैसे अपन ने इसको कैलकुलेट किया, आगे क्वेश्चन पे बढ़ें कैसे करेंगे, ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, स्टार्टिंग में कुछ था तो एनर्जी डीके होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है वही वो पूछ रहा है कि कितना हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो अब एक बार खुद से इसको, या तो करके बताओ एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन करना चालू किया कि नहीं किया बेटा, अगर क्वेश्चन करना चालू नहीं किया तो चालू कर दो, क्योंकि अपने क्या है क्वेश्चन आने वाले हैं और नीट में तो अपने को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगभग सारे आने चाहिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। टू इंसुलेटर कंडक्टर आर चार्ज बाय अ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वन कंडक्टर टू अनदर द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, कैपेसिटी अपने को फाइंड आउट करनी है, क्यू बराबर सी वी होता है तो क्यू बाई वी अपने को फाइंड आउट करना है, क्या क्या दिया हुआ है अपने को, चार्ज दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो सिंपल सा फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये बताओ, अगर नहीं कर सकते तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, वोल्टेज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो अपन जानते हैं क्या होता है, क्यू बराबर एन ही होता है नहीं होता, एन अपने को गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिवन है, वी अपने को गिवन है, ई अपन जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ वो डायरेक्ट यहाँ पे रखो होगा कि नहीं होगा, एक बार करके देखो, नहीं होगा तो फिर अपन करेंगे और करके देखोगे तो और ज़्यादा खुद से होगा, करें भाई कर लो, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है यार, इसमें तो डायरेक्ट ऐसे रखा 6.25 × 10⁻¹⁵, ठीक है, इंटू
1.6 इंटू 10 टू पावर 90 डिवाइड बाय 100, ठीक है, करो इसको कैलकुलेट। कैसे करोगे? अब तो भाई आ गया अपने पास भाई 6.25 इंटू 16, डायरेक्ट हटा दो, चाहो तो ये ऐसे कर लो, ठीक है। 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हुआ 15 और 4 माइनस 4, यहाँ से कैंसिल आउट, तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना है अपने पास, वहाँ से अपने पास अप्रोक्सीमेटली 10 और 10 टू पावर माइनस 6 आएगी, यहाँ से अपन ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 6, मतलब 10 माइक्रोफेरेड अपने पास आ जाएगा। और किसी को ये अभी समझ में नहीं आया है तो सिंपल सा ये है, इसको कैलकुलेशन को घर पे करना, कैलकुलेशन वैसे बताने की तुम्हें जरूरत नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ये वाली टर्मोलॉजी अपने को यूज करना और इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, सॉल्यूशन इससे हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, कैलकुलेशन एक बार करके देख लेना, फिर भी दिक्कत आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन सोल्व कर लें, ठीक है। ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन, टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच एट द पोटेंशियल वी कोलैप्स टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप इज सी देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप। ये अपन ने पहले भी किया हुआ है, इसको दोबारा इस वजह से कर रहे हैं, देखो अलग अलग डाटा था दोनों के बीच में, ये दोनों जोड़ी अपन ने, मतलब दोनों पास में आई, कोलेप्स हुई और उसने एक नई ड्रॉप बना दी, ठीक है, ये नई ड्रॉप बना, ठीक है। पोटेंशियल जो है दोनों पे वी है, चार्ज कैपेसिटी क्या है सी है, देख लो एक बार, ईच ड्रॉप पोटेंशियल वी, ठीक है, स्मॉलर ड्रॉप की कैपेसिटी क्या है सी, तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये अपन ने बहुत बार पहले भी किया हुआ है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, आर का डिफरेंस होगा, आर के डिफरेंस की वजह से क्यू का डिफरेंस होगा, भाई इस पे क्या चार्ज होगा क्यू, इस पे चार्ज क्या होगा क्यू, उस पे टू क्यू हो जाएगा चार्ज, ये अपने को सीधी सी बात है। जब आर की अपन बात करेंगे तो आर डैश जो उसकी हो जाएगी 2 की पावर 1/3 इंटू आर, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो अपन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो अपने को वहां से पता लग जाएगा कि क्या होगा अपने पास, सिंपल सी बात ये है, क्यू बराबर सी वी अपन करेंगे तो वहां से अपने को पता ही होता है भाई, क्यू बराबर सी वी अपने को पता है, वी बराबर क्यू बाई वी कर लो, सी बराबर क्यू बाई वी, सी बराबर क्यू बाई वी करोगे तो वी बराबर के क्यू बाई आर है, वहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2/3, तो क्या हो जाएगा मेरा जो सी डैश जो होगा वो हो जाएगा 2 की पावर 2/3 और सी मेरे पास आंसर में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट में लिख के बताओ। पोटेंशियल चेंज होगा ये अपना, ये अपन गलत कर रहे हैं इस वाले अप्रोच को, पोटेंशियल चेंज होगा ये अपना, अपन इसको क्या कर रहे हैं भाई, पोटेंशियल क्या कर रहे हैं अपन, के क्यू बाई आर को निकाल रहे हैं ना, पोटेंशियल अपन ने पहले भी निकाला था वहां से, वहां पे पोटेंशियल चेंज अपन ने निकाला था, क्या निकाला था वी, जो चेंज अपन ने क्या निकाला था वी डैश जो जो होता है वो देखा था अपन ने 2 की पावर 2/3 इंटू वी होता है। अब वी अपने पास है, क्यू अपने पास है, तो अपन सी निकाल सकते हैं क्यू बाई वी से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन किया, ठीक है। अब जो है अपना टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह क्या रहेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कितना टाइम हुआ अपन उस हिसाब से आज के टॉपिक को देख लेते हैं भाई, इसमें चाहें तो अपन आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस सीधी सी बेसिक सी बात क्या है, दो पैरेलल प्लेट हैं उनको रखा गया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ जनरेट होगा, डी डिस्टेंस पे है, तो अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कैसे निकाला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है कि चार्ज डेंसिटी है अपने पास, जो क्या होता है क्यू डिवाइड बाई एरिया, वी बराबर ई डी से अपन ने निकाला था, वी बराबर ई डी से ई बराबर क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो क्यू बाई वी अपने पास सी आया था, वो क्या आया था इसका क्यू बाई वी एप्सिलॉन नॉट बाई डी अपने पास यहाँ पे आया था, ठीक है। तो बेसिक सा अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक जो कैपेसिटेंस है अपने यहाँ से आएंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस के बारे में, एनर्जी उनकी पढ़ेंगे, सब कुछ अभी इसमें आगे पढ़ेंगे। तो उस क्वेश्चन भी अपन ने किए, उसके बेस पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ना कैपेसिटेंस के, वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, अगले चैप्टर को थोड़ा सा अपन ज़्यादा करेंगे और इसको जो है अपन चाहेंगे कि इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो अभी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ करेंगे।
पर ये चीज अपने को कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में ये भी काम आता है भाई। सिंपल सी बात है, आप ने अगर क्यू और वी फाइंड आउट कर लिया तो आप सी फाइंड आउट कर लोगे। जैसे किसी भी चीज में, मतलब मैं किसी भी चीज की बात करूँ, चाहे वो प्लेट हो, स्पेरिकल हो, रिंग अपने पास आ जाए, उस पर चार्ज अगर क्यू है और अपने को मान लो चार्ज नहीं दिया, चार्ज डेंसिटी दे दी भाई, चार्ज डेंसिटी अपने को गिवन कर दी। अब हो सकता है वो कुछ वैल्यूएबल चीज में दे दे, मतलब कुछ दे दे 4×10^2 समथिंग। तो अगर चार्ज डेंसिटी अपने को दे दी, अगर चार्ज डेंसिटी अपने पास है, तो वहां से अपन क्यू बाई ए से भाई क्यू, और जो अपने को कुछ सरफेस देगा, रिंग देगा, कुछ डिस्क देगा या स्फीयर देगा, वहां एरिया से उसका चार्ज निकाल लो, क्यू निकाल लो। और क्यू जैसे ही अपन ने निकाला, वोल्टेज अपने को पता है उस जगह का। तो जैसे मान लो मैं बात करूँ कि किसी वहां पे मैंने चार्ज दे दिया कि 10 कूलम वहां पे चार्ज है, वोल्टेज अपने को पता है कि 1 वोल्ट का उस पे है, तो 10/1 वहां पे जो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। और कैपेसिटी इस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे डिपेंड करती है। जिसका चार्ज ज्यादा उसकी कैपेसिटी ज्यादा, जिसका वोल्टेज ज्यादा उसकी कैपेसिटी कम, ठीक है। और कैपेसिटी चार्ज पे डिपेंड करती है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कैपेसिटी को देखो, यहाँ पे कुछ चीज सीख लेते हैं अपन कि क्यू बराबर सी वी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। सी क्या है? सी है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो क्यू बराबर मेरे पास क्या आया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अपॉन बी। अब इस चीज में देखो, इस चीज में अपन देखें मैं क्या क्या बढ़ा या घटा सकता हूँ। देखो, स्टोर करने की वैल्यू अपने को बढ़ानी है, सी बराबर क्यू बाई डी, ठीक है। तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? कैपेसिटी में बात करूँ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब एप्सिलॉन नॉट क्या है, उसके आसपास क्या रखा हुआ है या उसके अंदर क्या रखा हुआ है। मतलब मैं अंदर में कुछ चेंज करूं या आसपास में चेंज करूं, अंदर में चेंज करूंगा तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि इफेक्टिव क्या है, इधर ही तो इफेक्टिव है। तो उसकी वजह से मैं अगर उसके बीच का मीडियम चेंज करूं, उन दोनों के बीच में क्या रखा हुआ है, उस मीडियम को चेंज करूं, तो क्या होगा, मेरा कैपेसिटी उसकी चेंज हो जाएगी। मैं एप्सिलॉन आर करूंगा, मतलब मैंने कुछ मीडियम रखा, तो ऑब्वियसली बात है कैपेसिटी बढ़ेगी। एप्सिलॉन नॉट तो अपने को फिक्स है, पर किसी चीज से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बढ़ेगी। एरिया वेक्टर क्या है कि ये डिस्क इतनी है, अब इसको मैंने इतना पैरेलल कर लिया और पैरेलल कर दिया। अब हो सकता है ये दोनों तो पैरेलल है पर मैंने ऐसे रख दिया, तो इसकी वजह से फर्क पड़ रहा है ना, इस वाले के सामने तो कुछ भी नहीं भाई। जितनी पैरेलल होगा उतना ही होगा, अगर ऊपर नीचे कुछ कर दिया, मतलब जो एरिया ओवरलैप कर रहा है उसकी वजह से कैपेसिटी पे। बीच की डिस्टेंस पे कैसे मैटर करता है? ये वाली डिस्टेंस अगर मान लो मैं ज्यादा कर रहा हूं, मतलब दूर ले जा रहा हूं, तो चार्ज इंड्यूस क्या होगा, कम होएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से क्या होगा, कम जनरेट होगा, तो कैपेसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, उसकी कम जनरेट होगी। मैं उसको पास ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ मतलब डी क्या कर रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ, डी कम हुआ तो कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, कहाँ कहाँ पर कैपेसिटी मतलब चेंज हो रही है, कि उसका शेप और साइज क्या है। शेप कैसा है, मतलब वो कितना ज़्यादा बड़ा है। जैसे मान लो दो डिस्क की बात करें, उसकी वजह से एरिया ज़्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उन पर इंड्यूस चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी साइज, उसकी साइज कैसी है, साइज मतलब ओवरलैप एरिया कितना है। एक बार बताओ ये और ये, इसमें ओवरलैप एरिया कम है, इसमें ज़्यादा है, तो इसमें चार्ज भी इंड्यूस रेट होगा। दूसरे उसके बीच के मीडियम पे, तो ये वाली चीज़ सारी अपने बात कर रहे हैं। इफ एप्सिलॉन नॉट इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, ऑफ द मटेरियल मीडियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू प्लेट, दो प्लेट के बीच में क्या क्या है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपन लिख सकते हैं। सी कैपेसिटेंस जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। तो सी डैश जो अपन बात कर रहे हैं, मतलब एप्सिलॉन, ये तो एप्सिलॉन है, सी डैश अपन बात करें तो सी डैश क्या होगी कि वहां पे एप्सिलॉन आर कितना है और सी, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। मतलब सी की अपन बात करें तो सी की, सी सिंपल सा क्या हो जाएगा, सी में बात करूं तो सी जो है वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर और सी नोट, सी नोट जो इनिशियली उस पे था, ठीक है। अपन ने यहाँ तक बात की, अब आगे इसके फोर्स, इसके जो जो एप्लीकेशन आते जाएंगे वो सारे अपन सीखते जाएंगे, ठीक है। कैपेसिटर ही मेनली अब अपने चैप्टर में बाकी है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ क्वेश्चन लगाइए जो दिमाग को थोड़ा सा अपने घुमाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आज ही खत्म करते हैं, ठीक है बेटा।